अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 ग्लोबल टीवी और मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बिहारी पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली से अमन अमान के क़याम पर ज़िला बिहारी की सबसे बड़े सहाफ़ती ग्रुप और शहरियों की कसीर तादाद ने DPO बिहारी मोहम्मद ईसा खान को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। फूलों और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया और स्वीनर पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट बिहारी से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौसम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बिहारी मोहम्मद ईसा खान ने तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि हमारा एक ही एजेंडा है और वह है आवाम में एहसास तहफ़ पैदा करना, लोगों को इंसाफ अपनी आंखों के सामने होता दिखाई दे। इंसाफ की फ्राहमी शहरियों का हक है। उनका मजीद कहना था कि हदीस पाक है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जो कोई हमारी जान माल और हमारी बेटियों को इज्जत पर नजर रखेगा, स्टेट को चैलेंज करेगा या गन उठाएगा, वो अपने इंजाम को पहुँचेगा। इस मौका पर सदर इंसाफ मीडिया ग्रुप बिहारी इमरान गौहर चौधरी, चेयरमैन राय जावेद इकबाल, सीनियर सहाफी नदीम लुक, सैयद वसीम बुखारी, राव आसिफ, सोहेब खान संधेरा, सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब लुटन जनरल सेक्रेटरी इस्माइल दुल्ताना चौधरी, जुल्फिकार हाकम बोतला, राना गुलजार, राना सरदार साजिद भट्टी, इमरान रहमानी, साक राना, उस्मान मुदसर गुजर, राना शाकर समेत सहाफियों सिविल सोसाइटी की कसर तादाद ने शिरकत की और DPO बिहारी के क्राइम फ्री मिशन को सराहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें A1 ग्लोबल टीवी।